आकाशवाणी है। कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अनुपम प्रकाश। नमस्कार। कोरोना के साथ जीवन जीते हम सबको लंबा समय हो गया है। न्यू नॉर्मल के साथ हम सब तालमेल बिठाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। 22 जुलाई के बाद यानी 105 दिन के बाद आज भारत में सबसे कम कोरोना संक्रमित मामले आए हैं। पिछले 24 घंटे में 38,310 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। ये दिखाता है कि हमारे देश में कोरोना प्रबंधन को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जन आंदोलन शुरू किया है उसका भी व्यापक असर देखने को मिल रहा है। अगर आप भी अब तक प्रधानमंत्री के जन आंदोलन के साथ नहीं जुड़ सके हैं तो जरूर जुड़िए। उससे जुड़ने के लिए आपको बस करना इतना है कि आप जहां भी जाइए मास्क जरूर पहनिए, सुरक्षित दूरी का पालन करिए और अपने हाथ और मुंह को बार बार साफ करते रहिए। आप कोविड 19 से सतर्क रहें, जागरूक रहें, इसलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम प्रकाश। डॉक्टर अनुपम, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार, सब श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। नमस्ते सर। इससे पहले कि डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि अगर आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 1800-115767। हमारा एक और नंबर है 0112331-4444। डॉक्टर अनुपम, सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की बात हर तरफ की जा रही है जब से ये कोरोना संक्रमण शुरू हुआ है। विटामिन सी की गोलियां और विटामिन सी से जुड़े पदार्थों के सेवन को लेकर भी अलग अलग मंत्रालयों की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आपसे ये समझना चाहेंगे कि विटामिन सी जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को कैसे मजबूत करता है। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। विटामिन सी जो है एक खनिज है जो कि हमें बहुत जरूरी है, और विटामिन सी जो है बचपन से ही और मृत्यु तक हमें बहुत आवश्यकता होती है इसकी। हम लोग ये सेवन आमतौर पे वैसे भी करते हैं, जो फल रहते हैं, साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, खट्टे पदार्थ होते हैं, उनमें ये मिलता है जी। विटामिन सी जो है शरीर की इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करता है, इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ये जो हमारे रक्त में जो सफेद कोशिकाएं होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जिनको हम कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं जी, इनकी जो संक्रमण करने वाले कीटाणु हैं उनको भी ये ज्यादा खाने में मदद करते हैं, और जो लड़ने की क्षमता है व्हाइट ब्लड सेल्स की उनको भी बढ़ाता है जी। जो घाव होते हैं वो भी जल्दी भर जाते हैं विटामिन सी की वजह से, और जितने भी ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, जितने भी हमें जो कीटाणुओं को मारने के लिए जरूरत पड़ती है उसमें भी इसका बहुत फायदा देखा गया है जी। खास तौर से जो निमोनिया है उसमें भी विटामिन सी, और जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो नजला जुकाम, गला खराब, इसमें होता है, तो जो ये कोरोना भी करता है, जो निमोनिया भी और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है नजला जुकाम, तो उसमें खास तौर से विटामिन सी मददगार साबित हुआ है जी। तो इसलिए विटामिन सी से इम्यून सिस्टम और नजला जुकाम और निमोनिया इन सब चीजों में फायदा बहुत होता है जी। डॉक्टर अनुपम, ये भी देखने को मिला है कि जो व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो रहा है उसकी भूख पर भी असर पड़ रहा है, उसे भूख कम लग रही है और खाना खाने में भी थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में क्या कहेंगे आप? देखिए आनंद जी, बहुत साधारण बात है, जितने भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं उनमें जब तक बीमारी रहती है, वायरल के अलावा भी जो इन्फेक्शन होते हैं, जब तक बीमारी रहती है तब तक भूख प्यास तो कम हो ही जाती है जी। वायरल इन्फेक्शन में ये ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो बहुत ही एक शरीर में बहुत ही शिथिल कर देते हैं शरीर को, इसलिए कई बार बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है वायरस का इन्फेक्शन खत्म होने के बाद भी, उसके बाद भी उबरने में उस हालात से काफी टाइम लग जाता है, और इस हालात में बहुत ही कमजोरी लगती है, भूख कम लगती है, ये सब चीजें आमतौर पे कई बार देखी जाती हैं, तो ये कोरोना में भी देखा जा रहा है। और इससे उबरने के लिए एक तो आपने बताया ही जैसे है, तो खाना पौष्टिक आहार लेना जरूरी है, भूख कम भी लग रही है तो फिर हमें ठोस आहार थोड़ी थोड़ी देर पे जो है, कॉन्सेंट्रेटेड सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिन्हें कहते हैं, वो थोड़ी थोड़ी देर पे दें जिससे कि कम मात्रा में ज्यादा कैलोरीज पहुंच सके शरीर में जी। बिल्कुल।
डॉक्टर अनुपम, किसी घर में अगर एक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो उसे होम आइसोलेशन में रख देते हैं, एक कमरे में उसे अलग थलग रखने की व्यवस्था की जाती है। लेकिन एक शोध यह बताता है कि घर का कोई भी सदस्य अगर कोरोना संक्रमित हो गया तो उस घर में संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है। बहुत सारे हमारे श्रोता ऐसे सुन रहे हैं इस समय जिनके घर में कोई न कोई संक्रमित होगा, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि अगर ऐसी स्थिति भविष्य में उनके यहां होती है तो वो कैसे पूरी व्यवस्था करें जिससे संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे तक न फैले। देखिए, ये बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि कई लोग जिनको कोई और बीमारी नहीं है, जो लोग वृद्ध अवस्था में नहीं है और बच्चे भी नहीं है, उनको हम लोग होम आइसोलेशन के लिए कहते हैं, मतलब घर में हम लोग कहते हैं रहे और घर में अलग रहे बाकी सदस्यों से। और जो आपकी बात है वो बिल्कुल सही है, हम लोगों ने प्रैक्टिकली भी मरीजों का इलाज करते हुए देखा है कि अगर एक घर में किसी को कोरोना हो गया है तो संक्रमण बहुत ही जल्दी बाकी सारे सदस्यों में फैल जाता है। ये इसके कई कारण हैं। ऐसा है कि जब हमें पता चलता है कोरोना की बीमारी के बारे में किसी भी एक सदस्य का, तो जब तक वो जांच कराता है और रिपोर्ट आती है उसकी, तो तब तक जो है इसमें ऐसा नहीं है कि बुखार, कई बीमारियां हैं, कई और वायरल इन्फेक्शन भी हैं, लेकिन कोरोना में खासतौर से जब बुखार आता है उससे एक दिन पहले करीबन जो है शुरू हो जाती है फैलाना जो आसपास के लोगों को संक्रमण है। जी, तो इसलिए कई लोग जब तक आप आए सवेरे टेस्ट कराने आज कि आपको नजला लग रहा है या आपको किसी कॉन्टैक्ट में आए, तो उसके बाद भी जो है जब तक आपकी रिपोर्ट शाम तक आई अगर, तो आप उससे एक दिन पहले ही फैलाना शुरू कर चुके थे इन्फेक्शन। तो ऐसे में बचाव बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसी कारण से घर में सारी आप सुव्यवस्था रखते हैं फिर भी इन्फेक्शन को कई बार फैलने से आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए अब घर में तो बहुत ही मुश्किल है कि आप मास्क पहन करके सब लोग रहें, लेकिन हाँ जहां तक है एक दूसरे से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करें, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक। कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, गुजरात के खेड़ा से मनु भाई हैं। स्वागत है आपका। हेलो मनु भाई जी, रेडियो से आवाज कम कर दीजिए और अपना सवाल पूछिए। मैंने एक क्वेश्चन किया है, मैं ब्लाइंड हूँ जी, और अहमदाबाद सिटी में हर दिन जाने का आने का मेरे को होता है जी, तो मैं कल किसी की हेल्प लूँ या किसी को टच करूँ या 5-10 मिनट में दूसरा एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप जाऊँ, तो मेरे को कोरोना की कोई कोई हो नहीं हो वो पता नहीं चले ना, इसकी कोई असर होती है? डॉक्टर अनुपम ये नेत्रहीन हैं और ये जानना चाहते हैं कि ये एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी व्यक्ति का सहारा लेते हैं, कई बस स्टॉप्स पर उतरते हैं, बहुत सारी चीजों को टच भी करते हैं, ऐसे में क्या ये कोरोना संक्रमित हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल बात बहुत सही है आपकी, और संक्रमण तो किसी को भी हो सकता है तो आपको भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा जो लोग नेत्रहीन हैं या जिनको कोई भी अभाव है उनको वो लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, उनको संक्रमण की चांसेस कम होते हैं। हालांकि जो लोग हमारे जैसे लोग हैं जिनके पास सब इंद्रियां हैं, तो हम लोग कई बार ओवर कॉन्फिडेंट होकर के जबरदस्ती में इन्फेक्शन अपने घर ले आते हैं। तो इनको मैं ये कहना चाहूंगा कि पहली चीज है अपना फेस मास्क लगा करके रखें। अगर आप मुंह पे मास्क लगा करके रखे हैं या साफा बांध करके या कपड़ा बांध करके रखे हुए हैं तो किसी भी हालत में संक्रमण आपके अंदर नहीं पहुंचेगा। जब भी बांधे तो नाक और मुंह दोनों ढके रहें, ये सबसे जरूरी चीज है। दूसरी चीज है अपने साथ में सैनिटाइजर जरूर रखें या साबुन जरूर रखें, और अगर किसी की आप मदद लेते हैं, कोई आपको पकड़ करके सड़क पार कराता है, एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप छोड़ देता है, तो भी उसके बाद ये जरूरी है कि आप अपने हाथ सैनिटाइज कर लें या साबुन से अच्छे से धो लें। तो उस तरीके से आपके हाथ फिर आपके मुंह तक जाएंगे भी तो आपको इन्फेक्शन नहीं ले जाएंगे। और अगर मास्क आपने पहना हुआ है तो कोई आपको पार करा भी रहा है, वो पास आया भी है, तो उससे संक्रमण आपको नहीं पहुंचेगा। तो ये बहुत जरूरी है, ये अगर आप ध्यान देंगे तो आपको संक्रमण नहीं होगा, संभावना बहुत कम हो जाती है। बिल्कुल, सावधानी ही बचाव है, और जैसा कि डॉक्टर अनुपम कह रहे हैं कि अगर आप मास्क पहनेंगे, अपने हाथ को बार बार सैनिटाइज करते रहेंगे, साबुन पानी से धोते रहेंगे, तो संक्रमित होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी जुड़ गई हैं। रिंकी जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी, स्वागत के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद सर नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार जी। और डॉक्टर साहब को मेरा राम राम। नमस्कार।
जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे गांव में लोग कुछ लोग भ्रांतियां रखते हैं कि सर जैसे एल्कोहल में मतलब जो सैनिटाइजर उसमें एल्कोहल की मात्रा होती है उससे कोरोना मर जाता है। एक्चुअली अगर इंसान दारू या शराब पिएगा तो सर उससे भी उसे कोरोना भी नहीं हुआ मरने का चांसेस ज्यादा रहे, तो सर यह सही है कि कोरोना अगर दारू पियेंगे तो सही मर जाएगा? सर यह भ्रांतियां क्या आप बताइए। डॉक्टर अनुपम, बहुत सारे सोशल मीडिया पर इस तरह के मैसेजेस चल रहे हैं कि जब 70% एल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से कोरोना वायरस मर जाता है तो क्या मदिरा पान करने से कोरोना वायरस हमारे शरीर के अंदर अगर है तो वो मर जाएगा? क्या कहेंगे? देखिए, ये जो है ये पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, एक बहुत पुराना कहावत है, तो ये उसके मद्देनजर लोग बहाना ले रहे हैं, मद्देनजर ना बहाना ले रहे हैं, लेकिन एक मैं इसमें बिल्कुल साफ चीज कहना चाहूंगा कि पीने से कोरोना मरे ना मरे आदमी के मरने की संभावना बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और दूसरी चीज है, पीने से कोरोना नहीं मरेगा किसी भी हालत में। जो लोग शराब पीना चाहते हैं या मदिरा पान करना चाहते हैं वो इस भ्रम में नहीं रहे कि उसको पीने से मदिरा पीने से कोरोना मर जाएगा। जी। कोरोना देखिए शरीर में ऐसे नहीं घुसता है, कोरोना आपके मुंह या नाक से घुसता है। जी। तो आप मुंह और नाक में तो कोरोना नहीं वो शराब नहीं डालेंगे। अगर आप 70% डाल करके देखेंगे अगर नाक में तो फिर वैसे ही आदमी धराशायी हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो वो बिल्कुल संभावना नहीं है, गलत फहमी है। आप पानी ऐसे तो गर्म पानी अगर आप पी लेंगे तो फिर आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कोरोना मर जाना चाहिए। ये सब भ्रम है, भ्रांतियां हैं जो लोग गलत तरीके से फैलाते हैं। किसी भी हालत में मदिरा पान करने से जरा सा भी बचाव नहीं होता, बल्कि मदिरा पीने से आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। बिल्कुल। उसमें संभावना ज्यादा है कि आपको कोरोना वायरस जो है फिर संक्रमित करे। जी। तो ये मैं बिल्कुल साफ कहना चाहूंगा कि मदिरा पान से किसी भी हालत में कोई बचाव नहीं होने वाला है कोरोना। बिल्कुल ठीक। और जो लोग मदिरा पान करते हैं अगर वो सकारात्मक सोच के साथ देखें तो उनके पास एक बहाना है इस आदत को छोड़ने का, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर आपको अच्छी करनी है कोरोना से लड़ाई में तो फिर आप मदिरा पान छोड़िए, संतुलित आहार खाइए और अपनी इम्यून पावर को बढ़ाने के लिए जो आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देश हैं उसको फॉलो करिए। अजमेर से पुष्पा जी जुड़ गई हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते जी। लंग्स में थोड़ा इन्फेक्शन आया है, क्या सावधानियां करें? बहुत सीधा सवाल है, इनके फेफड़े में कुछ इन्फेक्शन है, क्या सावधानी बरतें? कोरोना की जांच तो कराई ही होगी, आज की तारीख में लंग्स में इन्फेक्शन है तो कोरोना की जांच कराना जरूरी है। जी। अगर वैसे सर्दियां आ रही हैं, आमतौर पे नॉन कोरोना इन्फेक्शन, कोरोना के अलावा भी इन्फेक्शन हो रहे हैं, निमोनिया हो सकता है, तो सावधानी जो है एक तो डॉक्टर से परामर्श जरूर लें, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि निमोनिया जो है या लंग में इन्फेक्शन है उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते किसी भी हालत में। बाकी कुछ चीजें हैं जो कि घर में आप वैसे भी करना चाहिए जब तक आप डॉक्टर साहब के पास नहीं जाते या परामर्श नहीं लेते हैं। जी। तब तक जो है नमक के गुनगुने पानी से गरारा है ये जरूर करिए, गर्म पानी की भाप लीजिए, उससे बलगम मुलायम होकर के निकल आता है तो ये आपको राहत भी देगा और आपके जो छाती में इन्फेक्शन है उसको हल्का भी करेगा। अगर बुखार आ रहा है तो पैरास्टामोल की टैबलेट लें 500 mg की, अगर एलर्जी नहीं है पैरास्टामोल की टैबलेट से तो 500 mg की टैबलेट दिन में 4 से 6 बार ले सकते हैं, हर 4 से 6 घंटे पे आप आराम से ले सकते हैं। तो ये तब तक लीजिए जब तक आप डॉक्टर साहब के पास नहीं जाते हैं, लेकिन गर्म पानी की भाप, नमक के गुनगुने पानी से गरारा और पैरास्टामोल की गोली, ये एक तरीके का फर्स्ट एड मेजर है। ये हर आदमी जिसको जरा सा भी चेस्ट में कंजेशन लगता है या लंग में इन्फेक्शन लगता है ये ले सकता है और ये लेना भी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर से परामर्श जरूर करें क्योंकि इन्फेक्शन किस लेवल का है, किस सीवियरिटी का है ये देखना जरूरी है, कोरोना है नहीं कोरोना है, कुछ और इन्फेक्शन है, तो इसके लिए तवज्जो फिर डॉक्टर साहब आपको दे देंगे। जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से राजधर मिश्र जी जुड़ गए हैं, कार्यक्रम में स्वागत है राजधर जी। नमस्कार सर। नमस्ते ठाकुर, मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरे 2 सवाल हैं। जी सर, मेरा पहला सवाल ये है कि सर दिल्ली में पिछले 10 दिन से डेली केसेस 5,000 के ऊपर हो रहे हैं सर। जी सर, सर्दी शुरुआत हो गई है इसकी वजह से हो रहा है सर या ज्यादा टेस्टिंग हो रहा है सर इसकी वजह से हो रहे हैं? जी दूसरा सवाल ये पूछ लीजिए। दूसरा सवाल शायद पहले सवाल में ही इन्होंने 2 प्रश्न पूछ लिए हैं। अच्छा। कि जो दिल्ली में 10 दिनों से मामले बढ़ रहे हैं उसका कारण क्या है, सर्दी का मौसम या फिर ज्यादा संख्या में जो परीक्षण हो रहे हैं वो? देखिए
आनंद जी ने शुरू में एक बात कही थी कि संख्या कम हो रही है भारत में जी। इसको मैं एक बार अपने जितने भी लोग हैं, श्रोता हैं और उनके रिश्तेदार हैं, उनको आगाह करना चाहूंगा कि ये नहीं समझें कि संख्या कम हो रही है। दिल्ली में भी महीने डेढ़ महीने पहले यही कहा जा रहा था कि संख्या काफी कम हो गई है जी। अगर हम संख्या कम होंगे, ठीक है, मैं बिल्कुल मानता हूं, जैसा कि आपने आनंद जी ने कहा कि हाँ न्यू नॉर्मल पे हमें आना है, मैं बिल्कुल मानता हूं कि हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी धीरे धीरे दिनचर्या अपनी नॉर्मल करनी पड़ेगी, सामान्य पे आनी पड़ेगी जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने जो प्रिकॉशन ले रहे हैं वो हम छोड़ दें। हमें सामाजिक दूरी बना करके रखना, मास्क लगाए रहना और हाथ धोना बहुत जरूरी है। इसके बिना हम न्यू नॉर्मल पे ही नहीं आ सकते। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है। अगर हम ये मान के चलेंगे कि हाँ संख्या कम हो रही है, लोग कम इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो कल को अगर हम सड़क पे बिना अपने डिफेंस के, बिना अपनी सैनिटाइजर के, बिना मास्क के निकलेंगे, गले में हाथ डाल करके चलेंगे, तो हमें कोरोना होना ही होना है और यही दिल्ली में अभी हो भी रहा है। तो ये हम लोगों की लापरवाही है। मैंने इसका संदेश थोड़ा सा पहले भी दिया था कि अगर हम लापरवाह रहेंगे जी, तो हम कोरोना से ग्रस्त भी होंगे और अगर हमारी जो मृत्यु की दर बहुत कम है, अगर 1-2% है, तो अगर 100 लोग हैं उसमें 1-2 जा रहे हैं, लेकिन जिसके घर का जाता है उसका तो नुकसान ही होता है बिल्कुल। लेकिन अगर हम ध्यान नहीं देंगे और संक्रमण फैलेगा तो 2000 लोग होंगे, तो फिर 20 लोगों का देहांत होगा, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। इसलिए संक्रमण कम हो रहा है, इसको बिल्कुल भी लापरवाही से नहीं ले। त्योहार मनाए, घर पे बैठ करके मनाए, बाहर नहीं जाएं। जहां तक है, एक साल अगर आप दीपावली, होली, ईद घर पे बैठ करके मना लेंगे तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इसको धीरे धीरे जाने दें वायरस को, हम लोगों को थोड़ा और धीरज रखना पड़ेगा। अभी दिल्ली में तो खासतौर से कोई धीरज नहीं रखा हुआ है, सब घूमने निकल गए। मैं तो देख ही रहा हूँ, यहाँ पे दिल्ली का निवासी हूँ इसलिए बता रहा हूँ आपको। लेकिन ये अगर पूरे भारतवर्ष में होगा तो जितना हम लोगों ने, जैसे ये कह रहे थे अभी आनंद जी आप, कि मोदी जी को सब मान के कर रहे हैं काम, लेकिन फिर जो है सब बेकार हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा संदेश है सबके लिए, मैं कहना चाहूँगा। संयम और संकल्प बहुत जरूरी है आज के एक ऐसे दौर में जब इस महामारी का कोई इलाज नहीं है। आप पर्व त्योहार मनाना चाहते हैं, बिल्कुल मनाइए, अपने ढंग से मनाइए, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर मत जाइए, सुरक्षित दूरी का जरूर पालन करिए, मास्क तो हमेशा लगाए रखिए, चाहे घर से आपको नीचे ही क्यों न उतरना हो। गुरुग्राम से अनिल यादव जी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्ते सर जी, मैं गुड़गांव में हूँ, वर्तमान में मैं सर फतेहपुर यूपी इलाहाबाद के रहने वाला हूँ सर जी। जी, मैं सर एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मेरे पास डिलीवरी बॉय, मैड और अन्य प्रकार के लोग आते हैं, तो हम सर जी उनसे कैसे बचे जा सकते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है डॉक्टर अनुपम। ये कहते हैं कि ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं और कई बार हम जब किसी अपार्टमेंट में जाते हैं या सोसाइटी में जाते हैं तो हम देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड के पास एक रजिस्टर होता है और वहां आने वाले तमाम लोग की एंट्री होती है, यानी बहुत करीब आते हैं वो सिक्योरिटी गार्ड से। ऐसे में इनका सवाल यह है कि ये अपने आप को कैसे संक्रमण से बचा सकते हैं? एक हिदायत मैं जो इनको बिल्कुल देना चाहूंगा कि जो इनके पास आता है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड हैं तो इनके पास पूरे जो अपनी सोसाइटी है उसकी अथॉरिटी है, तो जो भी आदमी आए वो उसको भी ये कह सकते हैं, आगाह कर सकते हैं कि अपना मास्क ठीक से लगाए, नाक और मुंह कवर करके रखे जी। खुद तो मास्क लगा करके ही रहें जितने टाइम ड्यूटी पे रहें। और दूसरी चीज है, जो पेन वगैरह लिखने के लिए देते हैं तो वो पेन आप वहां पे बांध करके रख दीजिए, जिससे कि उसी को करें। और अपने पास या तो वेट वाइप्स जो है, गीले टिश्यू पेपर होते हैं, या एक कपड़ा रखें जिससे कि उससे बाद में जब उस आदमी ने कर लिया है तो उसको पोंछ दें और उस कपड़े को अलग रख दें जी। और अपने पास सैनिटाइजर रखें जिससे कि अपने हाथ फौरन सैनिटाइज करें उसके बाद जी। तो उससे थोड़ी दूरी रखें, जो तीन चीजें आनंद जी आपने कही वही तीनों चीजें चाहिए। अपना मास्क जरूर लगाएं, लेकिन हाँ मैं इनको एक जिम्मेदारी और इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, दरखास्त करूंगा कि ये जो आ रहा है उसको भी कहें कि भैया आप अपना लगा करके आइए, तभी मैं आपसे लूंगा जी बिल्कुल। दूसरी चीज है कि अपना जो पेन है और रजिस्टर है उसको थोड़ा दूर रखें, उस पर एंट्री करवाएं और उसको पेन को भी साफ करें और अपने हाथ भी सैनिटाइज करें या साबुन से धोएं। ये एक बहुत जरूरी चीज है और इससे अगर ये करते रहेंगे तो बचेंगे। इसमें कोई चांस नहीं है कि इनको, संभावना बहुत ही कम हो जाती है अगर खुद आप मास्क लगाए हुए हैं पूरे टाइम तो। बिल्कुल ठीक। राजस्थान के अलवर से भगवान राठौड़ जी जुड़ चुके हैं। भगवान जी, स्वागत है आपका। जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप।
प्रॉब्लम बहुत सर सीरियस है कि मैं घर में सिंगल कमाने वाला और मेरे अभी बॉडी में पेन हो रहा है जी। मैं जुलाई में कोविड पॉजिटिव आया था जी। अब सर कैसे करूं? जुलाई में ये कोरोना से संक्रमित हो गए थे, जुलाई को बीते बहुत लंबा समय हो गया है और इनके शरीर में अभी भी दर्द है जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स जिसे हम कह सकते हैं। इनका कहना है कि ये घर में इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो कमाते हैं, ऐसे में अब ये काम करने नहीं जा रहे हैं बदन में दर्द होने के कारण। कैसे इस समस्या से निपटें? अगर इनको ज्यादा दिक्कत है तो एक बार डॉक्टर साहब को दिखा सकते हैं, लेकिन बाकी मैं आपको एक चीज बिल्कुल कहना चाहूंगा कि कोरोना से आप ग्रस्त होकर के निकल आए हैं तो एक आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखिए, अपने ऊपर आत्मविश्वास, अपना आत्मबल बढ़ाइए। आप ये समझ लीजिए कि आपने एक बड़ी समस्या से जूझ लिया है जी। अब जो ये दर्द रह गया है एक बहुत ही छोटी सी समस्या है, आज की तारीख में इनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या लग रही है, लेकिन इन्हें ये समझना चाहिए कि ये दर्द भी अपने समय से खत्म हो जाएगा। कितने दिन में खत्म होगा ये हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये है कि ये दर्द चला जाएगा। जैसा कि बाकी सब मरीजों में देखा जा रहा है, कुछ दिन में ये चला जाता है, किसी को चार दिन में चला जाएगा, किसी को चार महीने में चला जाएगा। तो ये थोड़ा सी दिक्कत है, ये चला जाएगा इनको। ये अभी ठंडक मौसम है तो थोड़ा देर में जाती है चीजें, लेकिन ये है मान करके चलिए कि ये चला जाएगा। अगर आपको ज्यादा दर्द है तो क्रोसिन की टैबलेट आप भी ले सकते हैं इसमें, और नहीं तो एक बार डॉक्टर साहब को दिखा लीजिए, बी कॉम्प्लेक्स ले लीजिए, वाइटामिन सी ले लीजिए, इन सबसे पौष्टिक आहार लीजिए, इन सबसे ठीक रहेगा और जल्दी ही चला जाएगा। खाना अगर पौष्टिक रहेगा तो ये सब दर्द जो दर्द होते हैं वायरल इलनेस के बाद ये जल्दी चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक। और देश के बहुत सारे अस्पतालों में पोस्ट कोविड क्लिनिक की शुरुआत हुई है, अगर ज्यादा समस्या है तो आप वहां भी जा सकते हैं। जोधपुर से सागर विश्नोई जी जुड़ चुके हैं। सागर जी स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते जी। सर मैं राजस्थान जिला जोधपुर से सागर विश्नोई बात कर रहा हूँ जी। जी सर मेरे दो सवाल है आपसे जी। जी सर मेरा पहला सवाल ये है कि एक बार किसी आदमी को कोरोना होता है तो उसके बाद में वो रिकवर होने के बाद में भी कोरोना हो सकता है क्या सर? जी। और दूसरा सवाल आपका, अपना दूसरा सवाल पूछिए सागर जी। शायद इन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। डॉक्टर अनुपम, जैसा कि आपने भी सुना, ये जानना चाहते हैं कि एक बार कोरोना संक्रमित होने के बाद उस व्यक्ति में दोबारा कोरोना संक्रमण होने का खतरा जो है वो कितना रहता है? देखिए अभी जो है कोरोना से हमें जूझते हुए अभी एक साल भी नहीं हुआ है जी, तो ये चीज कहनी बहुत मुश्किल है। कुछ केस ऐसे हुए हैं जिनको कोरोना संक्रमण दोबारा से हुआ है जी, लेकिन इसका मतलब आम तौर पे साधारण आदमी को एक बार कोरोना होने के बाद बहुत ही कम संभावना है कि दोबारा से कोरोना इतनी जल्दी होगा जी। तो अगर अभी किसी को कोरोना हो जाता है तो उसको चांसेस बहुत कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिना मास्क लगाए घूमे, क्योंकि अगर संक्रमण की करने वाले कीटाणुओं की मात्रा बहुत ज्यादा है तो आपको दोबारा से कोरोना जल्दी हो भी सकता है जी। ऐसा नहीं है, अगर आपके पास बहुत ही हल्का बुखार रहा, बहुत हल्का कोरोना इलनेस थी, तो आप संक्रमित ज्यादा अगर आपको कीटाणु करेंगे तो फिर आप दोबारा से जल्दी भी हो सकते हैं। हालांकि अभी तक जो है बहुत ही कम भारतवर्ष में केस ऐसे हुए हैं जिनको हमने देखा है कि री इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। इसलिए ध्यान रखना जरूरी है, संक्रमण के चांस का संभावना दोबारा से रहती है, लेकिन हालांकि ये बहुत कम होती है जी। बिल्कुल। और दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात पर भी शोध कर रहे हैं कि शरीर में एंटीबॉडीज कितने समय तक रहती है जो कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम है। गाजीपुर से राम सकल जी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, स्वागत है आपका। जी हाँ सर जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्ते जी। जी अच्छा है डॉक्टर साहब की सर दर्द हमेशा रहता है 24 घंटा सर में डॉक्टर साहब, इससे तो कोरोना वायरस हो रहे हैं सर। डॉक्टर अनुपम जानना चाहते हैं कि इनके सर में दर्द रहता है लंबे समय तक, ऐसे में क्या ये कोरोना से जुड़ा मामला हो सकता है? देखिए संभावना बहुत कम है कि आपको सर दर्द जो है कोरोना की वजह से होगा। अगर आपको बुखार नहीं है और सर दर्द के अलावा कोई और क्षेत्र में दर्द नहीं है, खांसी नहीं है, बलगम नहीं है, सांस नहीं फूल रहा है, तो चांसेस बहुत कम है कि आपको जो है कोरोना से संक्रमण हो।
जी। और इसके लिए अगर आप मध्यम एज के उम्र के लोग हैं तो या उम्र दराज हैं तो फिर आप एक बार ब्लड प्रेशर चेक करा लीजिए। और आजकल तो लोग रोजी रोटी नहीं है, आसपास तनाव बहुत है, बाहर जा नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह से भी सरदर्द ज्यादा चांसेस है कि उसकी वजह से होगा। कोरोना की वजह से सिर्फ सरदर्द नहीं है, और अगर है भी तो माइल्ड है, अपना वैसे ही मास्क पहन के घर से निकलेंगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई इसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। बिहार के सीतामढ़ी से सुजीत पाठक जी जुड़ चुके हैं। सुजीत जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते। पूछना था कि क्या कोरोना वायरस आम फ्लू के तरह आगे चल के वो हो जाएगा आम बीमारी की तरह? बढ़िया सवाल है डॉक्टर अनुपम, कि क्या कोरोना का जो संक्रमण है आने वाले समय में नॉर्मल फ्लू की तरह हो जाएगा? देखिए, आगे का तो कुछ कह नहीं सकते हैं, अच्छा तो यही होगा कि जैसे एकदम से आया वैसे एकदम से चला जाए, लेकिन आसार आज की तारीख में जितने भी हैं और जितना भी वैज्ञानिक कह रहे हैं, जब बीमारी इतनी ज्यादा फैल जाती है और हर जगह रहती है तो कुछ पॉकेट्स तो बन ही जाते हैं जी। और चांसेस अभी तो आसार हमें यही लग रहे हैं कि आगे ये ऐसे ही साधारण फ्लू की तरह रह जाएगा। जी बिल्कुल, चूंकि ये नोवेल कोरोना वायरस है और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे इस पर शोध हो रहे हैं, और आने वाले समय में ही पता चलेगा कि ये वायरस कितना म्यूटेट होता है, कितना परिवर्तित होता है और किस तरह का व्यवहार करता है। राजधानी दिल्ली से जनार्दन जी जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सवाल पूछिए जनार्दन जी। हाँ नमस्कार भाई। नमस्ते आनंद जी। नमस्कार। नमस्ते। अभी तक आपका जब से प्रोग्राम चलता है मैं बराबर सुनता हूँ, इससे स्वस्थ भी हूँ जी। लेकिन अभी जब सिक्योरिटी गार्ड ने बात की थी तो हमने सोचा आज फोन किया जाए जी। तो जो हम स्कूल की ड्यूटी करते हैं, बहुत से पेरेंट्स आते हैं, बहुत से बच्चे आते हैं, हमें उस फोन से प्रिंसिपल से स्टाफ से बात करवानी पड़ती है जी। एक्चुअली मैं उसने थिनर से हाथ तो धुला लेता हूँ जी, इस सैनिटाइजर से जी, लेकिन जब कान में वो लगाते हैं तो थोड़ा घबराते हैं हमें जी। तो आपका सवाल मैं समझ गया, कार्यक्रम में समय कम है। डॉक्टर अनुपम ये जानना चाहते हैं कि जो टेलीफोन है ये भी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं और उस टेलीफोन से इन्हें स्कूल में प्रिंसिपल, टीचर्स या कंसर्न अधिकारियों से बात करानी पड़ती है जो विजिटर्स आते हैं। इनका कहना है कि ये अपने हाथ तो सैनिटाइज कर लेते हैं, विजिटर्स के भी हाथ सैनिटाइज करवा देते हैं, लेकिन फोन से इनको खतरा लग रहा है। क्या फोन को भी सैनिटाइज करें या फिर क्या उपाय है? फोन को सैनिटाइज करके फोन सारे खराब हो जाते हैं, हम अपने अस्पतालों में ये चीज देख चुके हैं। एक काम आप ये कर सकते हैं कि आप जो है जब फोन को थोड़ा सा दूर रखें, अगर स्पीकर की सुविधा है तो स्पीकर फोन ऑन करके बात कराएं जी। और दूसरी चीज है नहीं तो अपने कान को आप ढकें जी। तो आप कुछ भी लगाएंगे तो जैसे कैप्स होती हैं जो डॉक्टर्स पहनते हैं, वैसी कैप आप पहन सकते हैं जिससे कान ढक जाता है जी। तो आप जब उससे बात करेंगे फोन लगा करके भी, तो आप 10 बार भी फोन लगाएंगे 10 लोगों के बाद भी, तो भी आपके कान प्रोटेक्टेड रहेगा जी। तो आप अपने कान को बचा सकते हैं। तो आप खुद अपने ऊपर जैसे फेस मास्क लगाए हैं वैसे ही एक टोपी तरीके लगा लीजिए, जैसे कि रेनकोट वाला टोपा होता है, नहीं तो वो भी लगा सकते हैं जी। तो उसमें आपको सुनाई भी देगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगा जी। मेरे ख्याल से वो सबसे वाजिब है। तो हमें इनोवेट करना पड़ेगा, खुद हमें नई नवीनतम सोच लानी पड़ेगी और खुद हमें तरीके डिवाइस करने पड़ेंगे जी। हाँ बिल्कुल, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई अवसरों पर कहा है कि आपदा जो है वो अवसरों को जन्म देती है और ये वही समय है। डॉक्टर अनुपम, कार्यक्रम में अब समय नहीं है कि किसी और पहलू पर आपसे चर्चा की जा सके। आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर अनुपम बता रहे थे कि जो मास्क पहनने की आदत है, जब तक वैक्सीन बाजार में उपलब्ध नहीं हो जाता है तब तक आपको हमेशा ही मास्क पहनना होगा। जहां भी जाइए सुरक्षित दूरी का पालन करिए, अपने हाथ और मुंह को साफ करते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार। कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर अनुपम प्रकाश। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट
newsonair.com।